दोस्तों शेर अफजल मरवत ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो बदनाम हो गया, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने अपने कारकुनान को थप्पड़ मार दिया। हर एक कारकुन जब उनके साथ मिलता था तो वो उनको थप्पड़ मारता रहा। याद रखिए ये कैसे लोग हैं, कैसे लीडर इन्होंने काम के रखे हैं। जब इनके सामने ये लोग जाते हैं प्रोटोकॉल के सामने, तो ये लोग अपने कारकुन के साथ कैसे पेश आते हैं, वो भी क्योंकि शेर अफजल मरवत अपने कारकुनान को थप्पड़ मारते पकड़ा गया। आखिर कार वजह क्या है? जब जलसे के अंदर शेर अफजल मरवत आ गया तो अपने कारकुनान को शोर डाला और उनको थप्पड़ मार दिया। ये बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कारकुनान पर, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने उनको थप्पड़ मार दिया और उनको चपड़ाख मार दिया अपने मुंह और चेहरे पर। आज तक हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो दूसरी जमात है जिसको हम TLP कहते हैं, जब भी अल्लामा साद हुसैन रिज़वी अपने कारकुनान के साथ मिलते हैं तो ऐसे तरीके से मिलते हैं कि कारकुनान उससे खुश होते हैं और उनके दरमियान में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत पर थोड़ा सा रश पड़ गया तो उन्होंने अपने कारकुनान को थप्पड़ मार दिया। लेकिन हम अभी तक साद हुसैन रिज़वी साहब को कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने कारकुनान को मारता हुआ। लेकिन वजह क्या है? ये लोग सियासी लोग हैं, ये ऐसे बंदे हैं जिनको किसी चीज का नहीं पता, लेकिन जाहिल लोग जब ऊपर आ जाएं तो फिर उनका यही हाल होता है। तो ये देखिए अपने कारकुनान जिनको इन्होंने थप्पड़ मारा, इनके जहन में कौन सी बात आई होगी कि हमारे हम जिसको मानते हैं उनका हमारे साथ रवैया क्या है। क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जब भी अपने कारकुनान के साथ मिलते हैं तो कभी प्रोटोकॉल के साथ नहीं निकलते, बल्कि खुलेआम सादा चलते हैं, और शेर अफजल मरवत ने अपने कारकुनानों को थप्पड़ मार दिया। दोस्तों इस बारे में अपने राय जरूर दीजिए और कमेंट के अंदर अपने राय भी दे देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।